नमस्ते रंजना किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपको मूंग दाल की सब्जी बताने वाली हूँ उसके लिए मैंने गैस जलाकर कढ़ाई रख दी है कढ़ाई के गरम होते ही तेल डाल दिया है उसमें तेल डाल के जीरा डाल दिया है जीरा के भूनते ही हम इसमें एक प्याज को बारीक काट कर डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है प्याज के भूनते ही हम उसमें लहसुन और मिर्च को भी कूट कर डाल देंगे इसको चलाते हुए एक मिनट तक भून लेंगे अब हम इसमें एक बड़ा टमाटर काट कर डालेंगे टमाटर को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाएं। नमक को डालकर हम इसको चलाकर मिक्स कर लेंगे और ढककर एक मिनट के लिए पकने देंगे तो ये देखिए हमारे टमाटर गल गए हैं अब हम इसमें मूंग दाल डालेंगे मूंग दाल को मैंने 20 मिनट तक पानी में भिगाकर ले लिया है दाल को डालकर चला लेंगे अच्छे से इसको चलाते हुए दो मिनट तक भून लेना है दोस्तों अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है या आप अगर ऐसे भी बनाना चाहते हैं तो मूंग दाल की सब्जी बना सकते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही हेल्दी रेसिपी है तो आप इसे जरूर ट्राई करें ये मूंग दाल को चलाते हुए भून लिया है अब हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला मसालों को चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पर मैंने दो कट कटोरी पानी डाला है अब हम इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक डालने के पहले ध्यान रखें कि आपने टमाटर के साथ भी थोड़ा नमक डाला है तो उसी के अकॉर्डिंग नमक डालें इसमें अब हम इसको ढक कर पका लेंगे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ये देखिए हमारी मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है अब हम एंड में थोड़े से हरे धनिया के पत्ते बारीक काट कर डाल देंगे चला कर मिक्स कर देंगे तो ये हमारी मज़ेदार मूंग दाल की सब्जी बनकर तैयार हो गई है मैं इसकी प्लेटिंग भी कर लेती हूँ तो आप भी इस तरह से मूंग दाल की टेस्टी और हेल्दी सब्जी बनाकर खाइए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि